हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लिए अपने 100 गुना पॉजिटिविटी आशा करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रिजल्ट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पर देगा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे जैसे कि कार्ड है कॉम्प्रोमाइज, ट्रैवलिंग, कंसाइसनेस, एडवेंचर, लेजीनेस। नंबर है यहाँ पे 6, 8, 5, 9, 1। आपके आपके क्रश के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, तो हम देखते हैं इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है आपके क्रश के लिए। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके क्रश के लिए क्या सोच रहे हैं। वो ये आ रहा है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि बिना सोचे समझे आगे जाना है इस रिश्ते में, अपना फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं देखना है, दुनिया की कुछ भी परवाह नहीं करनी है। मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और जैसे कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए है, दुनिया के बारे में क्या सोचना, दुनिया तो ऐसे ही होती है। अगर दुनिया हमें पसंद नहीं करती, अगर दुनिया हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती, तो ये दुनिया की प्रॉब्लम है। हम तो एक दूसरे को लाइक करते हैं, आप इनको दिल से लाइक करते हो, जो कि इनके लिए मतलब कि प्यार में अंधे हो चुके हो और बिना सोचे समझे आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। आप किसी के भी बारे में नहीं सोचना चाहते, और आपको लगता है कि काश आपके क्रश भी ऐसा आपके लिए सोचते इस तरह से, ठीक है। प्लेफुलनेस के एनर्जीज में आना चाहते हो आप, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि अगर आप खुश रह सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ रह सकते हो। आपके दिल में जो कि पहला प्यार होता है ना, जो सच्ची रोमांटिक फीलिंग्स, वो इनके लिए आई है। आपको डर भी लगता है इनसे खुद होकर बात करने का, क्योंकि पता नहीं क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्या पॉजिटिव बोलेगा या झगड़ा करेगा, गलत अगर इसने मुझे गलत समझ लिया तो। आप इस तरह से सोच रहे हो। पार्टिसिपेशन का कार्ड यही शो करता है कि आप जैसे कि हो सकता है कि अगर आप दोनों म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, मतलब आप दोनों दोस्त हो, कॉलेज के दोस्त, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या तो आप दोनों के कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनकी कोई बर्थडे पार्टी, शादी, ऐसा कुछ हो सकता है। पार्टिसिपेशन का कार्ड ये शो करता है कि आप किसी फंक्शन में मिलने वाले हो एक दूसरे से, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, हमारा तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि आप दोनों कहीं किसी फंक्शन में जाने वाले हों, आप अपने साइड से और वो अपने साइड से, इस तरह से, ठीक है। तो यस, ये आपकी फीलिंग से आपके क्रश के लिए रिबेल है। यहाँ पे आप खुद होके एक्शन नहीं लेना चाहते हो, खुद होके उनसे बात नहीं करना चाहते हो, और आप जैसे कि उनकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि खुद होके मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, ये कुछ समझता ही नहीं है, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि आखिर वो आपको चाहते भी है कि नहीं, और क्या वो कभी आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करेंगे भी कि नहीं। इस तरह से आप इनके लिए एफर्ट्स अब नहीं डालना चाहते हो, या आपकी फीलिंग से अगर आपके क्रश की फीलिंग्स की बात करूं तो डेफिनेटली इन्होंने आपको ऐसा कुछ रीज़न दिया था पास में कि वो आपको नहीं स्वीकार करते। क्यों नहीं स्वीकार करते उन्होंने आपको बताया था, और जो कि इनको लग रहा था आपको स्वीकार करना मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, और शायद ये अपने घर वालों को आपके लिए कभी नहीं मना पाएंगे। तो ये जैसे कि जो भी है, जो भी इन्होंने आपको रीज़न दिया था ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए इनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो करना चाहते हैं, और जो कि सैड है, मतलब फेस उनका हैप्पी नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करते टाइम, लेकिन डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते थे, अब जो कि इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों साइड से सोच रहे, इनको ये अब फील होने लगा, इनको दिल में दर्द महसूस होने लगा, जैसे कि पहले नहीं होता था। पहले जस्ट क्या फ़ायदा, क्या क्या अच्छा, क्या बुरा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, ये प्रैक्टिकली बस सोचते रहते थे। लेकिन अब मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है, मुझे कैसे पेन हो रहा है, मैं कैसे रात रात भर जाग रहा हूँ, मेरा डिप्रेशन लेवल हाई हो रहा है, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं मेरी ज़िंदगी में खुशी महसूस कर पा रहा हूँ। तो ये अब अपने बारे में सोचने की वजह से ये इनका इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हो गया है। तो अगर आपके साथ रिश्ते में आना है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, या आपके लिए इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं, चांसेस है आप बहुत सारे लोग जो कि अपने पार्टनर से, आपके इस क्रश से किसी एक्टिव किसी मूवमेंट का
आपके इस क्रश से कोई मूवमेंट डेफिनेटली बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। मूवमेंट ये हो सकती है कि अगर ये दूर रहते हैं किसी अलग कंट्री में, या किसी अलग कंट्री में या किसी अलग सिटी में रहते हैं, तो वहाँ से ट्रैवल करके वो आपके पास आने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आप पास पास ही रहते हो, एक ही वर्क प्लेस पर हो, तो ये आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कॉल मैसेज सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। कंसाइसनेस का कार्ड यही शो करता है कि डीप वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सबकॉन्शियस माइंड में। ट्रू, इनको अच्छे से इन्होंने सोच के रखा है कि अगर मैं फ्यूचर में किसी, अगर मैं किसी से प्यार करूंगा, अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। ये आपको दिल और दिमाग कंटिन्यू आपके ऊपर फोकस रहता है। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ज़्यादा चेक करते रहते हैं। और जो कि इनको अब ये फील होने लगा है कि यस, ये इनके लिए अगर कोई परफेक्ट पार्टनर है तो सिर्फ आप हो, आपके पास आना है, आपके साथ दुनिया जीनी है, कलरफुल दुनिया, खुशियाँ आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे करंट में। लेकिन लेजीनेस का कार्ड यही शो करता है कि फिलहाल वो एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, मूवमेंट मैंने जैसे कि बोला, वो ट्रैवल करके आपके सिटी में आएंगे। लेकिन जो कि लेजीनेस, मतलब कि इनको अच्छे से पता है कि आप इनको हाँ ही बोलने वाले हो, तो जो कि आपकी तरफ से आने देना, यहाँ पे भी रिवेल का कार्ड यही शो करता है कि आप अपनी तरफ से मूवमेंट नहीं लेना चाहते, लेकिन ये जो कि आपकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं जाऊँगा जब मुझे जाना है, मैंने जो टाइम सिलेक्ट करके रखा है, जिस टाइम पे मैंने सोचा है, मैं उस टाइम पे जाऊँगा और इसे अपने बना लूँ और इसे अपना बना लूँगा। लेकिन जो कि इन्होंने आपको इतना इंतज़ार करा है कि चांसेस है कि आपने शायद अब किसी से बातें करना स्टार्ट भी कर लिया है, आप अपने लिए किसी और को देख भी रहे हो, और जो कि इनके बारे में भी सोच रहे हो इस तरह से, जो कि इनको पता ही नहीं है, या इनको बहुत जल्द पता भी चल जाएगा, फिर वो डर जाएंगे, यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी बहुत ज़्यादा डिले लगा दिया, ये इस तरह से फिर सोचेंगे। इनकी ज़िंदगी में अभी ये होने वाला है, क्योंकि आप थक चुके हो इनकी इस एनर्जी से, ठीक है। ये करंट फीलिंग्स है आपके क्रश के आपके लिए। हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है इस रिलेशनशिप के लिए। ट्रू मैसेज दे, हम देखते हैं आपके क्रश आपसे बात क्या करना चाहते हैं। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, इनके क्रश इनसे क्या बात करना चाहते हैं करंट में, इनके क्रश इनसे क्या बात करना चाहते हैं करंट में, क्या बात करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ खेल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, वो आपके मज़े ले रहे हैं, दूर देख के आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, आपको लाइक भी करते हैं, आपसे बात भी करने की कोशिश करते हैं, आपको आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके लिए इनके अंदर प्यार भी डेवलप हो चुका है। लेकिन फिर भी वो आपको बताते नहीं हैं, वो इसीलिए नहीं बताते क्योंकि वो आपके मज़े ले रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूँ, अगर मैं इसे बात नहीं करता हूँ, तो ये क्या कर सकती है। पॉलिटिक्स, मतलब अगर ये आपको देख के अनदेखा कर रहे हैं ना, वो भी आपको मतलब जानबूझ के तरसाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उनको आपको मतलब अपने लिए तरसाना, अगर आप इनको किसी और के साथ देख के जलते हो तो जलाना, ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई है जो मेरे लिए तरस रहा है, कोई जो है जो मेरे लिए मरे जा रहा है, ये आपके साथ खेल रहे हैं। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि तू ये मतलब उनके, आप उनके हरकतों को जो कि नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि वो दिल से नहीं कर रहे, वो दिल से जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको जानबूझ कर तरसा रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप में करंट में क्या करना चाहिए। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को इस रिलेशनशिप में करंट में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में करंट में। टोटलिटी है यहाँ पे, और वी आर द वर्ल्ड, यस, आपको इस बात के ऊपर भरोसा करना है। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो ना, फिर से बॉटम इंटीग्रेशन है, तो आपको इस बात के ऊपर भरोसा करना है कि आपके ये पार्टनर, आपके क्रश आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, और जो कि आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि आप दोनों फ्यूचर में रीयूनियन होने वाले हो, दोनों एक साथ होने वाले हो, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और इनको लेके इनके पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करनी है, यही है रीडिंग, ठीक है। तो यस, अगर रीडिंग रेजोनेट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।